भाई कांग्रेस का आज 135 वर्ष स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राजीव भवन में तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि पार्टी नागरिक संशोधन कानून के विरोध में देश के सभी राज्यों की राजधानियों में आज स्थापना दिवस पर संविधान बचाओ, नागरिकता संशोधन विधेयक, एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों को याद करने का दिन है, देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जो देश के लिए बेहद घातक है। और आज पूरा आसाम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है और वहाँ की सरकारें केवल वोट के लिए सबको लड़ाने की कोशिश हो रही कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी गरीब और कोई जो लैंडलेस है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे प्रमाणित करेंगे, कहाँ प्रमाण पत्र लाएंगे।